आज का वीडियो डिजिटल फोरेंसिक के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटोप्सी टूल की मदद से कैसे किसी भी फाइल सिस्टम जैसे कि विंडोज़ के NTFS, FAT, FAT16, FAT32, लिनक्स के EXT2, 3 या 4, MacOS के HFS Plus या एंड्रॉयड के फाइल सिस्टम का पोस्टमार्टम कैसे कर सकते हैं, मतलब किसी क्रिमिनल या किसी टारगेट की हार्ड डिस्क, USB ड्राइव, डिस्क इमेज, कंप्यूटर या स्मार्टफोन की छानबीन कैसे की जा सकती है, कि उसके सिस्टम में क्या क्या हुआ था, उसके डिस्क में क्या क्या स्टोर है, उन्हें कैसे एनालाइज किया जा सकता है, उसमें से काम का डाटा कैसे निकाला जा सकता है। अब भले ही वो डाटा उसने डिलीट कर दिया हो या डिस्क फॉर्मेट कर दी हो, तो भी वहाँ से बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। कैसे, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। ऑटोप्सी एक ओपन सोर्स डिजिटल फोरेंसिक इजी GUI बेस्ड टूल है, जिसे विंडोज़, MacOS या लिनक्स पर आसानी से यूज़ किया जा सकता है। इस टूल का यूज़ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, लॉ इन्फोर्समेंट सर्विसेज, मिलिट्री या कॉर्पोरेट एग्जामिनर्स के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा डिस्क इमेज, लोकल ड्राइव या किसी लोकल फोल्डर्स की फाइल को एनालाइज किया जा सकता है, और आपने जो भी इन्वेस्टिगेट और एनालाइज किया है उसकी रिजल्ट की तरह तरह के फॉर्मेट में रिपोर्ट भी जनरेट की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी लॉ इन्फोर्समेंट सर्विस ने किसी क्रिमिनल का कंप्यूटर या हार्ड डिस्क या स्मार्टफोन या USB ड्राइव या मेमोरी कार्ड को जब्त किया है, तो उसकी छानबीन कैसे की जा सकती है, किसमें क्या क्या स्टोर है, उसके सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटी हुई थी, उसके सिस्टम में कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल हैं, उसने इंटरनेट पर कब कब और क्या क्या सर्च किया था, क्या ब्राउज किया था, क्या डाउनलोड किया था और कौन कौन सी डिवाइस को अपने सिस्टम से कनेक्ट किया था, जो भी इमेज वहाँ पर फाउंड हुई हैं वो कौन से कैमरे से कैप्चर की गई थी, कहाँ कैप्चर की गई थी, कब कैप्चर की, कौन कौन से ईमेल से कॉन्टैक्ट किया, तो ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन इससे निकाली जा सकती है। जो फाइल उसने डिलीट की हैं उनको भी रिकवर किया जा सकता है, या डिस्क फॉर्मेट हो चुकी है तो वहाँ से भी डाटा को निकाला जा सकता है। अब भले ही वहाँ पर कोई सा भी OS यूज़ हो रहा हो, जैसे कि विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड या लिनक्स, वहाँ पर बिना लॉगिन किए उसमें से ही सारी डिटेल निकाली जा सकती है। इसमें कई फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर किसी केस के ऊपर मल्टी यूजर्स वर्क कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइम एनालिसिस मिल जाता है ग्राफिकल इंटरफेस पर, जिसकी मदद से देखा जा सकता है कि कौन से टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई हैं, कीवर्ड को सर्च किया जा सकता है, जैसे कि ईमेल एड्रेसेस, IP एड्रेसेस, URLs, फ़ोन नंबर्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, या आपको कोई पर्टिकुलर कीवर्ड की तलाश है तो उसको भी यहाँ पर खोजा जा सकता है। वेब एक्टिविटीज़ का पता लगाया जा सकता है कि उसने क्या क्या सर्च किया, क्या डाउनलोड किया, कब कब कौन कौन सी साइट को ब्राउज किया, इसके लिए कौन सा प्रोग्राम यूज़ किया। इसके अलावा विंडोज़ रजिस्ट्री को एनालाइज किया जा सकता है, ईमेल को एनालाइज किया जा सकता है, या किसी इमेज में से उसका मेटा डाटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे कि उस इमेज को कौन सी कैमरा डिवाइस से कैप्चर किया गया था, कहाँ कैप्चर किया गया था। इसके अलावा जो भी फाइल फाउंड हुई हैं उनका टाइप के हिसाब से ग्रुप बनाया जा सकता है, उनको सॉर्ट किया जा सकता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल्स, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, एग्जीक्यूटिवल फाइल, साइज या एक्सटेंशन के हिसाब से उनका ग्रुप बनाए जा सकते हैं, जिससे कि इन्वेस्टिगेट करने में आसानी हो। यहाँ पर मीडिया फाइल्स के लिए थंबनेल व्यूअर भी मिल जाता है, जिससे किसी भी इमेज या वीडियो फाइल का थंबनेल देखकर क्विकली डिसाइड किया जा सकता है कि वो काम की है या नहीं, उसको बिना ओपन किए। यहाँ पर ऑटोमेटिक फाइल टाइप डिटेक्शन भी मिल जाता है, जिससे फाइल को उसके सिग्नेचर से पहचाना जा सकता है। यहाँ पर आप अपने कस्टम रूल सेट करके फाइल्स और फोल्डर का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर एंड्रॉयड सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसके द्वारा किसी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर से डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे कि SMS, कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट्स या कोई पर्टिकुलर वर्ड या डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या डिलीट की गई फाइल को रिकवर किया जा सकता है। डिस्क फॉर्मेट हो चुकी है उसके बाद भी उसमें से डाटा को निकाला जा सकता है। ये कई तरह के फाइल सिस्टम को एनालिसिस कर सकता है, जैसे कि NTFS, FAT, FAT16, FAT32, XFAT, HFS Plus, EXT2, EXT3, 4। इसके अलावा इसके द्वारा किसी डिस्क इमेज या वर्चुअल मशीन की डिस्क इमेज को भी एनालाइज किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत से फीचर इस टूल के अंदर मिलते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि मेडिकल फील्ड के अंदर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, किसकी डेथ कैसे हुई, कब हुई, किन कारणों से हुई, ये सब वहाँ से पता लगाया जा सकता है। वैसे इस टूल की मदद से किसी फाइल सिस्टम का पोस्टमार्टम किया जा सकता है, वहाँ से काफ़ी सारी काम की इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो इस टूल का जैसा नाम है वैसा काम भी है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे इंस्टॉल और कैसे यूज़ में ले सकते हैं विंडोज़ और लिनक्स सिस्टम पर। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स के अंदर बनाया है। पहले पार्ट्स में हम जानेंगे ऑटोप्सी टूल के बेसिक्स के बारे में, कि ऑटोप्सी टूल क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूज़ में ले सकते हैं विंडोज़ और लिनक्स सिस्टम पर।
और हम जानेंगे कि कैसे इसके द्वारा पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव या मेमोरी कार्ड को स्कैन, एनालाइज या इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, उसमें से डिलीटेड फाइल को कैसे रिकवर किया जा सकता है, इमेज फाइल में से मेटा डाटा को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कि वो इमेज कौन सी डिवाइस से कैप्चर की गई थी, उसकी जियो लोकेशन, ये सब हम पहले पार्ट में जानेंगे। दूसरे पार्ट के अंदर हम जानेंगे कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़, मैक या लिनक्स, उनके फाइल सिस्टम के डिस्क को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसमें बिना लॉगिन किए उसमें से महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को कैसे निकाला जा सकता है, ये सब हम दूसरे पार्ट में जानेंगे। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता इस वजह से मैंने इसको दो पार्ट के अंदर बनाया है, तो आप इसके दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखेगा, आपको यहाँ पर काफ़ी काम की और कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पहले देखते हैं कि हम इसको अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर यह लिंक ओपन कर लीजिए। आप यहाँ से ऑटोपसी टूल को अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए क्लिक कर दीजिए डाउनलोड नाउ पर। तो यहाँ पर आपको ऑटोपसी टूल का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेटअप मिल जाएगा। आप जैसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, 64-bit या 32-bit, उसके लिए आप यहाँ पर ऑटोपसी टूल का सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहीं से ही लिनक्स या मैक ओएस के लिए ऑटोपसी टूल की जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और ज़रूरी पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आप इसका यूज़ लिनक्स और मैक ओएस पर भी कर सकते हैं, या आप इस टूल के पुराने वर्जन गिटहब पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका सेटअप मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। इसकी सेटअप फाइल करीब 750 MB की है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखिए ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस टूल को ओपन कर लेता हूँ। ये टूल अभी ओपन हो रहा है, यहाँ पर सारे मॉड्यूल लोड हो रहे हैं, और ये देखिए ये यहाँ पर ओपन हो चुका है, यहाँ पर वेलकम विंडो आ चुकी है। आप यहाँ से किसी रिसेंट केस को ओपन कर सकते हैं, या आपके पास कोई पुराना केस है उसको भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर न्यू केस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं न्यू केस क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर अपने केस की इन्फॉर्मेशन डालिए कि आपका केस किससे संबंधित है। तो यहाँ पर मैं अपने USB ड्राइव को स्कैन करूँगा, तो यहाँ पर मैं इसका नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया टेक चिप USB ड्राइव। इसकी बेस डायरेक्टरी सेट कर लीजिए कि आप ये सारा डाटा कहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं। आप ब्राउज करके वो डायरेक्टरी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। केस टाइप सेट कर लीजिए, उसके बाद कर दीजिए नेक्स्ट। इसके बाद आप यहाँ पर ये ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं, ये डालना ज़रूरी नहीं है, आप जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, जैसे कि केस का नंबर, एग्जामिनर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, या कोई आप यहाँ पर केस से संबंधित नोट भी टाइप कर सकते हैं। ये सब डालने के बाद फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ पर केस के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा बेस क्रिएट हो जाएंगे, जो भी आपने डायरेक्टरी सेट की है वहाँ पर जरूरी फाइल क्रिएट हो जाएंगी। ये यहाँ पर सेट हो चुका है। अब उसके बाद आप यहाँ पर अपना डाटा सोर्स सेलेक्ट कीजिए कि आप यहाँ पर किस चीज़ को एनालिसिस करना चाहते हैं, जैसे कि कोई डिस्क इमेज या वर्चुअल मशीन की डिस्क इमेज, कोई लोकल डिस्क जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, या कोई लॉजिकल फाइल, या यहाँ पर किसी हार्ड डिस्क की अनएलोकेटेड स्पेस इमेज को भी स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पेन ड्राइव को स्कैन करूँगा, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे लोकल डिस्क। डिस्क इमेज के बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया लोकल डिस्क, इसको करेंगे नेक्स्ट। और उसके बाद आपकी जो भी लोकल डिस्क है, जो भी आपकी पेन ड्राइव है, USB ड्राइव है, या कोई मेमोरी कार्ड है, उसको अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लीजिए और उसकी ड्राइव को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर टाइम जोन सेट कर सकते हैं और ये ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी USB ड्राइव की वर्चुअल डिस्क भी क्रिएट कर सकते हैं, और आप इस डिस्क को जहाँ भी सेव करना चाहते हैं वो पाथ यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये सब सेट करने के बाद क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पर। अब इसके बाद आप यहाँ पर मॉड्यूल्स को कॉन्फ़िगर कर लीजिए। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर ये ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर सभी फाइल्स, डायरेक्टरी और अनएलोकेटेड स्पेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, या इसके बिना सभी फाइल्स और डायरेक्टरी को स्कैन कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। आपको यहाँ पर ये सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, आप यहाँ पर अपने हिसाब से इन मॉड्यूल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत है। मैं आपको समरी में बता देता हूँ कि कौन सा मॉड्यूल क्या काम करता है। सबसे पहले है रीसेंट एक्टिविटी। रीसेंट एक्टिविटी मॉड्यूल्स के द्वारा किसी डिस्क में से उसकी रीसेंट एक्टिविटी को खोजा जा सकता है कि वहाँ पर उसने रिसेंटली कौन कौन सी फाइल ओपन की हैं, क्या ब्राउज़ किया है, क्या सर्च किया है, कौन कौन से प्रोग्राम वहाँ पर इंस्टॉल हैं। तो ये सारा काम रीसेंट एक्टिविटी के द्वारा किया जा सकता है। अगला मॉड्यूल है हैश लुकअप। हैश लुकअप मॉड्यूल्स के द्वारा हैश सेट्स की मदद से फाइल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आप यहाँ पर पॉपुलर वायरसेस फाइल के हैश को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जिससे कि ऐसी फाइल की वहाँ पर पहचान हो सकती है कि ऐसी फाइल उसके डिस्क में मौजूद हैं या नहीं। आप यहाँ पर न्यू हैश सेट क्रिएट कर सकते हैं या इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि फाइल्स की पहचान की जा सके। फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन,
ये फाइल टाइप को पहचानने के लिए उसके बाइनरी सिग्नेचर के द्वारा। आप ग्लोबल सेटिंग पर जाकर न्यू फाइल टाइप और उसका सिग्नेचर सेट कर सकते हैं जिससे कि फाइल को पहचाना जा सके। अगला है एक्सटेंशन मिसमैच डिटेक्टर। इस मॉड्यूल के द्वारा ऐसी फाइल्स का पता लगाया जा सकता है जिनका एक्सटेंशन मिसमैच है। जैसे कि मान लीजिए उस डिस्क के अंदर ऐसी फाइल मौजूद हैं जिनका एक्सटेंशन चेंज किया हुआ है, किसी ने exe फाइल का एक्सटेंशन jpg या png किया हुआ है, तो उसकी मदद से ऐसी फाइल पहचानी जा सकती हैं। आप यहाँ से ऑप्शन सेट कर सकते हैं कि आपको सभी फाइल चेक करनी है या टेक्स्ट फाइल को छोड़कर सभी फाइलें देखनी है या केवल मल्टीमीडिया या एग्जीक्यूटिवल फाइल को स्कैन करना है। इसके अलावा आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि आपको विदाउट एक्सटेंशन वाली फाइल को स्किप करना है या नोन फाइल्स को स्किप करना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ग्लोबल सेटिंग पर जाकर आप यहाँ पर अपना न्यू टाइप और एक्सटेंशन सेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि डिस्क के अंदर इस तरह की फाइल हो सकती हैं जो फाइल टाइप यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ पर न्यू फाइल टाइप और उसका एक्सटेंशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं जिससे कि ऐसी फाइल को यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सकता है। अगला मॉड्यूल है एम्बेडेड फाइल एक्सट्रैक्टर। इसकी मदद से किसी फाइल के अंदर एम्बेडेड फाइल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। exif पार्सर, इसकी मदद से इमेज में से मेटा डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जो भी इमेज के अंदर इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है उसको इस मॉड्यूल की मदद से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अगला है कीवर्ड सर्च। आप यहाँ पर डिस्क में से कोई कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीसेट कीवर्ड दे रखे हैं जैसे कि URLs, ईमेल एड्रेस, IP एड्रेस, फ़ोन नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। या ग्लोबल सेटिंग पर जाकर आप अपना कस्टम कीवर्ड सेट कर सकते हैं कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में बताऊँगा कि इसको कैसे सेट करते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी कीवर्ड को सर्च करना चाहते हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगला है ईमेल पार्सर। इसकी मदद से आप जिस भी डिस्क को स्कैन कर रहे हैं, मान लीजिए उस डिस्क के अंदर ईमेल डाटाबेस सेव है जैसे कि आउटलुक ईमेल का PST, OST फाइल या एमबॉक्स, तो ये मॉड्यूल उन ईमेल कंटेनर फाइल्स को ओपन करके उसमें से ईमेल को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जिसको कि इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि वहाँ पर किस टाइप के ईमेल्स आए थे, उसने किस किस से कॉन्टैक्ट किया, ये सारी जानकारी यहाँ से देखी जा सकती है। इनक्रिप्शन डिटेक्शन। यहाँ पर इस मॉड्यूल के द्वारा ऐसी फाइल को फाइंड किया जा सकता है जो इनक्रिप्टेड हैं या पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, उनकी पहचान यहाँ से की जा सकती है। इंटरेस्टिंग फाइल आइडेंटिफायर। इसकी मदद से आप यहाँ पर अपना कस्टम रूल सेट करके डाटा का पता लगा सकते हैं। आप यहाँ से अपना कोई भी कस्टम रूल सेट कर सकते हैं कि आप किस टाइप का डाटा ढूंढना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रॉपर्टीज़ को सेंट्रल रिपोजिटरी में सेव किया जा सकता है, वो आप यहाँ से ऑप्शन सेट कर सकते हैं। फोटो रैक कार्वर। इसकी मदद से अनअलोकेटेड स्पेस में से फोटोज़ को फाइल को रिकवर कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन एक्सट्रैक्टर। मान लीजिए उस डिस्क के अंदर कोई वर्चुअल मशीन की फाइल है तो वहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसको वहाँ पर एनालाइज किया जा सकता है कि वहाँ पर क्या क्या डाटा है। तो इस तरह के काफ़ी सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर मिलते हैं। एंड्रॉयड एनालाइजर। इसकी मदद से एंड्रॉयड सिस्टम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसमें से डाटा को निकाला जा सकता है। तो आप यहाँ पर जो भी मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है उनको आप अनटिक कर सकते हैं। ये सब सेट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए और उसको फिनिश कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये सबको एनालाइज करेगा, जो भी आपने यहाँ पर मॉड्यूल सेलेक्ट किए हैं उन सबको एनालाइज करेगा और जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। तो यहाँ पर एनालाइजिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि डिस्क कितनी बड़ी है, उसमें कितना डाटा है, आपने कितने मॉड्यूल सेलेक्ट किए हैं और आपके सिस्टम की स्पीड कैसी है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से टाइम लगेगा। यहाँ पर रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइल टाइप के ग्रुप बन चुके हैं। यहाँ पर इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, आर्काइव, डाटाबेस फाइल के अलग अलग ग्रुप देख सकते हैं। इनमें वो फाइल भी हैं जो कि डिलीट हो चुकी हैं, जिनके आगे क्रॉस लग रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वीडियो फाइल है USE बाईपास फाइनल, ये वीडियो डिलीट हो चुका है, उसके बाद भी आप यहाँ पर इसको रिकवर कर सकते हैं। आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल के अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं। यहाँ पर जो भी फाइल फाउंड होंगी उनको आप इन ग्रुप्स के अंदर देख सकते हैं। आप यहाँ पर समरी में देख सकते हैं कि कौन से ग्रुप के अंदर किस टाइप की फाइल स्टोर होंगी, आप इनका एक्सटेंशन यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल मिली हैं, यहाँ पर इनके ऑटोमेटिकली ग्रुप बन चुके हैं। यहाँ पर HTML, ऑफिस, PDF, प्लेन टेक्स्ट, वो सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो डिस्क के अंदर जो भी इस तरह की फाइल मिलेंगी उनको आप एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी एग्जीक्यूटिवल फाइल हैं, ऐसे ही आप यहाँ पर फाइल टाइप के हिसाब से इनको देख सकते हैं। पर अभी यहाँ पर स्कैनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है, तो पहले हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्क को स्कैन होने देते हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ और यहाँ पर स्कैनिंग जैसे ही कंप्लीट होगी हम वापस से रिज्यूम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी पूरी डिस्क एनालाइज हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या डाटा फाउंड हुआ है। ये देखिए यहाँ पर फाइल अलग अलग टाइप के हिसाब से लग चुकी हैं।
आप यहाँ पर फाइल्स को उनके टाइप के हिसाब से देख सकते हैं। ये सारी एप्लीकेशन फाइल हैं, इनके यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं। ये इमेज फाइल हैं, ये मैसेज हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैसेज फाइल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको एक ईमेल मिला है। आप इस ईमेल फाइल को यहीं से ओपन कर सकते हैं या इसकी हैक्स वैल्यू देख सकते हैं। यहाँ पर वो फाइल भी आ रही हैं जो डिलीट हो चुकी हैं, कि यहाँ पर कौन कौन सी फाइल डिलीट हुई थी। ये देखिए, ये सारी यहाँ पर डिलीटेड फाइल हैं। इन डिलीटेड फाइल को यहाँ से रिकवर भी किया जा सकता है। जो भी आपको लगता है कि एक काम की फाइल है, उसको यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फाइल्स को उनके साइज़ के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर फाइल साइज़ के हिसाब से भी लग चुकी हैं, और रिजल्ट के अंदर आपने जो भी मॉड्यूल सेलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर एक्सटेंशन मिसमैच डिटेक्ट हुए हैं। यहाँ पर ये फाइल वीडियो की है, पर यहाँ पर इसका एक्सटेंशन दूसरा है। इसके अलावा आप यहाँ पर इमेज का मेटा डाटा भी देख सकते हैं, कि यहाँ पर जो इमेज फाउंड हुई हैं उनका मेटा डाटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आप उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इमेज कब कैप्चर की गई थी, कौन सी डिवाइस मॉडल से कैप्चर की गई थी, उस डिवाइस का मेकर कौन है, कौन सी कंपनी का वो डिवाइस है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या साइज़ है, क्या पाथ है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। आप नीचे इमेज को देख सकते हैं, उसकी टेक्स्ट वैल्यू देख सकते हैं, उसकी हैक्स वैल्यू देख सकते हैं। इसके अलावा आपने जो भी कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं उसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसने ये सारे ईमेल एड्रेस फाउंड किए हैं। ये सारे ईमेल एड्रेस डिस्क के अंदर से मिले हैं, ये आईपी एड्रेसेस हैं। यहाँ पर इसने इनको फाइंड करने के लिए एक रूल बनाया हुआ है। उस रूल के हिसाब से यहाँ पर जो भी डाटा मिलेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ पर अपने कस्टम रूल सेट करके अपने हिसाब से डाटा को फाउंड कर सकते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसको मेरे पेन ड्राइव में से मिली है। यहाँ पर हम काफ़ी सारे काम की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी फाउंड हुआ है उसको आप अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज और वीडियो को देख सकते हैं, कि यहाँ पर कौन कौन से इमेज और वीडियो आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज वीडियो पर जाकर इसका गैलरी व्यू ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ से सारी इमेजेस और वीडियो को एक साथ ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो भी इमेजेस और वीडियो फाउंड हुए हैं वो यहाँ पर सारे आ जाएंगे। ये साइड में यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं, आप इनको ग्रुप के हिसाब से भी देख सकते हैं। और इन इमेजेस और वीडियो पर क्लिक करके आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है, कि इमेज का नाम क्या है, उसका पाथ क्या है, कब क्रिएट की गई थी, कब मॉडिफाइड की गई थी, उसकी MD5 हैश वैल्यू क्या है, कौन से कैमरे से कैप्चर की गई थी, कौन सा उसका मॉडल है, क्या हाइट है, क्या विड्थ है। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर टाइमलाइन व्यू भी मिल जाता है, जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन से टाइम में क्या क्या एक्टिविटी की गई थी। ये इसका टाइमलाइन व्यू है, आप देख सकते हैं कि कौन से टाइम में यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी हुई है। ये देखिए, यहाँ पर दिसंबर महीने के अंदर ये सारी एक्टिविटी हुई हैं। आप यहाँ पर डेट टाइम देख सकते हैं और इनका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्क के अंदर जिस टाइम के अंदर जो एक्टिविटी हुई है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से महीने में क्या एक्टिविटी हुई है। आप यहाँ पर इसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं, ये इसका डिटेल व्यू है। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया कैनन पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कैनन के 200D मॉडल से ये इमेज कैप्चर की गई हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्पल के iPhone 5s से ये इमेजेस कैप्चर की गई हैं। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से व्यू सेट कर सकते हैं। ये इसका लिस्ट व्यू है, तो आप यहाँ पर डाटा को तरह तरह से एनालाइज कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट करने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पर जो भी फाइल डिलीट हुई हैं उनको यहाँ पर रिकवर भी किया जा सकता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी डिलीटेड फाइल हैं। आप इनमें से किसी भी फाइल को अपने सिस्टम पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये वीडियो फाइल है, ये यहाँ पर डिलीट हो चुकी है, और मैं इसको अपने डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने अपने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। ये फाइल अभी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रही है, और ये देखिए, ये यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे डेस्कटॉप पर देख सकते हैं यहाँ पर फाइल आ चुकी है। मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर वीडियो प्ले हो चुका है। तो आप इस तरह से यहाँ पर किसी पेन ड्राइव, USB ड्राइव या मेमोरी कार्ड में से डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हैं। पर आपको डाटा को एक्सट्रैक्ट करते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई वायरस हो जो कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचा सके। तो आप ऐसे डाटा को सेफ एनवायरमेंट में एक्सट्रैक्ट करें, जिससे कि आपके सिस्टम को नुकसान ना हो। और आपका यहाँ पर जो भी रिजल्ट आया है आप उसकी एक रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए क्लिक कर दीजिए जनरेट रिपोर्ट पर। आप यहाँ पर रिपोर्ट को कौन से फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे रिपोर्ट मॉड्यूल्स हैं, तो आप यहाँ पर कोई सा भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर हेडर फुटर सेट कर दीजिए, वो आपके रिपोर्ट के अंदर हेडर पर फुटर पर शो होगा, जो भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे। नेक्स्ट कर दीजिए, आप यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर लीजिए
कि आपको सारे रिजल्ट की रिपोर्ट जनरेट करनी है या टैग रिजल्ट की, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद उसको फिनिश कर दीजिए तो यहाँ पर एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने HTML फॉर्मेट लिया था तो यहाँ पर एक HTML की फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ आप सारा रिजल्ट एक साथ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फाइल जनरेट हो चुकी है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैं इस लिंक को अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये लिंक यहाँ पर ओपन हो चुकी है और आप यहाँ पर अपनी केस की समरी देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी मॉड्यूल्स यूज़ हुए हैं उनकी आप डिटेल देख सकते हैं, एनालाइज की हिस्ट्री देख सकते हैं और यहाँ पर जो भी रिजल्ट फाउंड हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा डाटा सोर्स है और ये यहाँ पर इमेज का मेटा डाटा है जो भी वहाँ पर एक्सट्रैक्ट हुआ है। यदि वहाँ पर जियो टैगिंग का फीचर यूज़ करके कोई इमेज कैप्चर की गई है तो उसका लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो भी एनालाइज हुआ है उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको आप अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑटोप्सी टूल का यूज़ कर सकते हैं और इसके द्वारा किसी लोकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, USB ड्राइव, पेन ड्राइव को स्कैन कर सकते हैं और उसमें से डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हैं, इमेज का मेटा डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको काले लिनक्स के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। काले लिनक्स के अंदर ये टूल प्री इंस्टॉल मिल जाता है, आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर वहाँ पर इसका इंटरफेस थोड़ा अलग मिलता है, यहाँ पर आपको वेब इंटरफेस मिलेगा। तो इस टूल को रन कराने के लिए सबसे पहले ओपन कीजिए अपना टर्मिनल और यहाँ पर टाइप कर दीजिए ऑटोप्सी, तो यहाँ पर ये टूल रन हो जाएगा। यहाँ पर एक वेब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। आप इस URL को अपने ब्राउज़र में ओपन करके ऑटोप्सी टूल को काले लिनक्स में यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर ठीक विंडोज़ OS की तरह कोई केस को ओपन कर सकते हैं या न्यू केस क्रिएट कर सकते हैं। केस की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप यहाँ पर किसी भी डिस्क को एनालाइज कर सकते हैं। तो बस पहले पार्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसके दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि विंडोज़ 10 और लिनक्स फाइल सिस्टम की डिस्क इमेज को कैसे एनालाइज किया जा सकता है, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, उसमें बिना लॉगिन किए उसमें से काम की इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली जा सकती है, कि वहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल हैं, उसने कब कब क्या क्या सर्च किया, क्या क्या ब्राउज किया, क्या डाउनलोड किया, उसके सिस्टम से कब कब और कौन सी डिवाइस कनेक्ट हुई, उसकी डिस्क में स्टोर सिस्टम फाइल और यूज़र फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उसमें बिना लॉगिन करे, ये सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम दूसरे पार्ट में जानेंगे। तो उसका दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ पर कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दूसरे पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। तो बस दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलिए विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून एंड गुड बाय। We'll be right back.